हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप लोगों को पता है कि सात चिरंजीवी कौन है? हाँ, आप लोग बोलोगे कि ये चिरंजीव क्या होता है और ये सात कौन है चिरंजीव। तो ये एक्चुअली ना सात चिरंजीवी हैं जिनकी हमने कथा तो सुनी रखी होगी, और ये अभी भी धरती पे एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं का मतलब अभी भी हैं, और इन्होंने भगवान की पूजा की थी। तो इनमें से एक है जिसने नहीं की थी, उनको श्राप लगा था, वो है अश्वत्थामा। तो उनको ये मत मान लेना कि उन्होंने बहुत ज़्यादा साधना की है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते चिरंजीव मंत्र। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयं यथास्तमं जीवे दर्शशतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जिता सर्वव्याधिविवर्जिता। तो इनमें आपने देखा होगा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशु रामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। और अब आप लोग बोलोगे इनकी तो कथा सुन रखी है, पर ये मार्कंडे कौन है? एक्चुअली ना मार्कंडे एक ऋषि थे जिनको शंकर भगवान जी का महामृत्युंजय मंत्र मिला था। वो है ना, एक मंत्र है ना महामृत्युंजय मंत्र, वो उनको मिला था। माँ एक्चुअली ना ये ओम ओम नमः शिवाय पंचाक्षर षडाक्षर ये अलग टाइप के मंत्र होते हैं एक्चुअली में। और ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ना, ये अलग टाइप का मंत्र है, और ये मार्कंडे ऋषि को मिला था। तो इनके लिए ये भी इस मंत्र में इनका भी नाम है। और अगर आपको कुछ मेरी और सिंगिंग वीडियोस की जानकारी लेनी है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, नीचे के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से दबा लो। और गाइस, अब तक आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।